नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज़। इन दिनों हर किसी को यह बात समझ नहीं आ रही कि आखिर कोरोना वायरस का जन्म कैसे हुआ और क्या इसकी कोई दवाई बन सकती है। मगर अब भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। आपको बताते चलें कि जानलेवा कोरोना वायरस के बारे में दुनिया भर में यही कयास था कि यह चमगादड़ों में पाया जाता है, मगर अब भारतीय वैज्ञानिकों के अध्ययन में इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। देश के 10 में से 5 राज्यों के चमगादड़ों में वायरस मिला है। चमगादड़ों की 2 प्रजातियों पर अध्ययन के बाद यह खुलासा हुआ कि दोनों प्रजाति के 586 में से 25 चमगादड़ संक्रमित मिले। हालांकि वह दुनिया में अभी फैला नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 नहीं है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और ICMR ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चमगादड़ से इंसान में इस तरह के वायरस आने की यह घटना बहुत दुर्लभ है और ऐसा तकरीबन 1000 साल में एक बार ही होता है। ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से आर गंगा खेड़कर ने बताया कि चीन में हुए शोध के अनुसार यह पाया गया कि कोरोना वायरस चमगादड़ों में उत्पन्न हुआ। माना जा रहा है कि फिर यह पेंगोलिन तक पहुंच गया होगा और इसके बाद पेंगोलिन से होते हुए यह वायरस मनुष्य में पहुंच गया। गंगा खेड़कर ने कहा कि हमने भी जांच की जिसमें हमने पाया कि 2 प्रकार के चमगादड़ थे जिनमें कोरोना वायरस पाया गया, लेकिन वह मनुष्य को प्रभावित करने में सक्षम नहीं था। उन्होंने कहा कि यह दुर्लभ है, शायद 1000 वर्षों में एक बार यह चमगादड़ से मनुष्य में स्थानांतरित हो जाता है। इससे पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया था कि पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में 3 साल से चमगादड़ों पर अध्ययन चल रहा था। इसी बीच वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को लेकर भी चमगादड़ों के नमूनों की जाँच शुरू की। ग्लेव व मलाशय सैंपल की जांच में कई चमगादड़ संक्रमित पाए गए। इनमें से 2 की आंत और गुर्दा भी संक्रमित मिले। कुछ ही समय पहले केरल में निपाह वायरस भी चमगादड़ों से आया था, इसलिए नए संक्रमण का पता लगाने के लिए उन राज्यों में लगातार निगाह रखना जरूरी है जहां चमगादड़ ज्यादा पाए जाते हैं। चमगादड़ों की एक प्रजाति के लिए केरल, चंडीगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, ओडिशा, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना से 508 नमूने लिए गए। दूसरी प्रजाति के 78 चमगादड़ों के नमूने केरल, कर्नाटक, चंडीगढ़, गुजरात, ओडिशा, पंजाब और तेलंगाना से लिए गए। इस दौरान 12 की मौत हो गई थी। वैज्ञानिक डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम का कहना है कि केरल के चमगादड़ों को अध्ययन में शामिल किया गया था। पुणे में इसकी टेस्टिंग के बाद कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। कुछ समय पहले निपाह वायरस भी चमगादड़ों से ही आया था। वहीं पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निदेशक डॉक्टर प्रिया अब्राहम के अनुसार हमारे अध्ययन में शामिल चमगादड़ों में से कुछ में कोरोना वायरस मिला है। हालांकि यह इंसानों तक कैसे पहुंचा, अब इस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में इस रिसर्च से कुछ और चीजें भी सामने आती हैं, क्योंकि हर कोई कोरोना के लिए चीन को शक की नजरों से देख रहा है। धन्यवाद।